हेलो डेवलपर, वेलकम टू माय चैनल टीमक्स करियर कंपाइलर। तो टुडे वी आर डिस्कस पाइथन सिंटैक्स, पाइथन सिंटैक्स। दोस्तों इसमें ना मैं ना सिंटैक्स के बारे में बात करूँगा, हमारा जो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई हैं, इंट्रोडक्शन, दूसरा है कि पाइथन में हमें किस चीज़ से मतलब स्टार्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेधड़क इस चैनल पे बने रहिए और एक अपना पाइथन का पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। ओके, तो लेट बी स्टार्ट टुडे एजेंडा। तो एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स। तो सबसे पहले पाइथन का जो सिंटैक्स है वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन इंडेंटेशन के बारे में, देन उसके बाद में हम पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, और उसके बाद में पाइथन कमेंट्स के बारे में। तो आज का जो एजेंडा है, इन चार टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू के देंगे, ये चीज़ क्या होती हैं। अगर ब्रीफ में ये है तो आगे चल के इन चीज़ों को ज़्यादा क्लियर किया जाए, जैसे कि पाइथन वेरिएबल्स हैं, कमेंट्स हैं, तो इनके बारे में डीप में बताया जाएगा, बट आगे बताया जाएगा। बट इस लेक्चर में सिर्फ इस वाले जो वीडियो है इसमें सिर्फ इसमें बेसिक बताया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स, जो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो एग्जीक्यूट कैसे करता है। एज वी लर्न इन द प्रीवियस पेज, पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूट बाई द राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। हमने क्या किया, कमांड लाइन में जाके मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें इस तरह से ये वाला प्रोग्राम रन करके दिखाया था। तो अब सिर्फ कुछ नहीं है, आप कमांड लाइन ओपन करो, cmd ओपन करो, और उसमें जाके अपना पाइथन लिखो, तो डायरेक्ट आप उसमें चले जाएंगे। उसके बाद आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हेलो वर्ल्ड आपको जैसे ही एंटर करोगे हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। और भाई, क्रिएटिंग अ पाइथन फाइल ऑन द सर्वर यूजिंग द डॉट पी वाई फाइल एक्सटेंशन एंड द रनिंग इन द कमांड लाइन। तो अगर जैसे मान लो आपने कोई फाइल बना रखी है माई पाइथन माई फाइल डॉट पी वाई नाम से, तो आप उसको इस तरह से रन करते हैं, पाइथन माई पी वाई माई फाइल डॉट पी वाई कर दो, तो वो आपकी जो फाइल है वो रन कर जाती है और आपको आउटपुट रिटर्न कर देती है। अब बात करते हैं पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं इंडेंटेशन की, तो इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। जैसे आपने कोई कोड लिखा है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक तरह से स्पेस सा बना देता है पीछे। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कहते हैं इंडेंटेशन, इन कोड फॉर द रीडेबिलिटी ओनली, मतलब अच्छी तरह से रीडेबिलिटी हो जाए, तो उनमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर ये जो चीज़ यूज की जाती है वो HTML में देखा होगा। ओके, द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का काफ़ी एक बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेटेड अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये क्या बनाता है, एक ब्लॉक बना देता है एक तरह, पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन। जैसे मैंने एक कंडीशन लगा के एक प्रोग्राम लिखा है, इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 2, ओके, तो फिर इसके बाद मैंने दो डॉट लगा दिए हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर कभी कभी कैसा होता है कुछ से VS कोड में जब करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक एक या दो स्पेस लेके चलता है, बट कभी कभी हम मोबाइल में जैसे इस चीज़ को यूज करते हैं तो वहाँ पे नहीं करता है, तो आपको अपनी तरफ से दो या एक स्पेस लेके और उसको उसके बाद लिख दो। अगर ये वाली कंडीशन जो ट्रू होती है, इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यानी मतलब ये कंडीशन 5 बड़ा ही होता है 2 से, तो यानी मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है और ये प्रिंट कर देगा 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, अगर जैसे मैंने दूसरा प्रोग्राम लिखा है, पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ़ यू स्किप द इंडेंटेशन। अगर आपने इंडेंटेशन को स्किप कर दिया, जैसे मान लो इंडेंटेशन का क्या है, अगर आपने स्पेसेस नहीं दिया है, जैसे मान लो मैंने प्रिंट इफ 5 इज लेस ग्रेटर देन 2 लिखा, उसके बाद बिल्कुल जस्ट आई के नीचे पी लिख दिया। ओके, मतलब इफ के नीचे ही प्रिंट लगा दिया, बिल्कुल आई के बराबर पे पी लिख दिया, और 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मुझे रिटर्न में ये क्या करेगा, फाइल डेमो इंडेंटेशन टेस्ट डॉट पी वाई, मतलब जो मेरी फाइल बनी है, तो मैं इसमें ना देखो अपने हाथ से प्रोग्राम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जो प्रोग्राम है उनको समझाऊँगा।
अब इसमें क्या है कि देखो, इसने बता दिया कि इस वाली सेकंड लाइन में तुम्हारा प्रॉब्लम है और फाइव इज ग्रेटर मतलब इंडेंटेशन एरर बता रहा है, एक्सपेक्ट एंड इंडेंटेशन ब्लॉक। वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है एक ब्लॉक की, ठीक है। तो ये सिंपल है, द नंबर ऑफ द स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर, द मोस्ट कॉमन यूज इज 4, बट इट हैज टू बी एट लीस्ट 1। जैसे मैंने कंडीशन लगाई इसमें, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर प्रिंट ये चीज़ ट्रू होती है तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। मैंने दूसरा एक और कंडीशन लगाई इसमें, वही सेम टू सेम। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो मैं प्रिंट लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा और आगे चल के दे रहा हूँ। जैसे इंडेंटेशन जो लगा हुआ, डबल डॉट कॉलन लगा हुआ है मेरा, तो मैं उसके बराबर से ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये इसको प्रिंट नहीं करे, ज़रूरी नहीं है कि आई एफ के नीचे ही लिखा जाए, आगे चल के लिख सकते हो कहीं पे भी, मतलब काफ़ी दूर तक लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा डबल कॉलन लगा हुआ है वहाँ तक आप आराम से प्रिंट लिख लो, कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है। अगर जैसे ये देखो कंडीशन वहाँ पे है, इफ़ यू टू यूज द सेम नंबर ऑफ द स्पेसेस, द सेम ब्लॉक ऑफ द कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। पाइथन आपको क्या करेगा, एक एरर दे देगा। जैसे अब एक ब्लॉक है, ठीक है, ऊपर वाला ठीक है लिख रहा है वहाँ पे प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, ओके। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको मैं ऊपर वाले उसके अकॉर्डिंग लगाता हूँ तो ये यहाँ पर एरर दे देगा मुझे। क्यों, क्योंकि देखो जहाँ पे ब्लॉक आपका वो है ना, वहाँ से ही आपको करना है। मतलब जैसे प्रिंट लिखना है ना, अगर बिल्कुल इसको प्रिंट के नीचे लिख दोगे तो ये प्रिंट करा देगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। फिर क्या करेगा, आपको रिटर्न में आपको एक एरर प्रोवाइड कर। अब बात करते हैं पाइथन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, इन पाइथन वेरिएबल आर द क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। तो हम वेरिएबल में क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू है उसको असाइन कर देते हैं। ये तरह एक तरह से क्या होता है, मेमोरी होती है, ठीक है, एक तरह से मेमोरी जैसा काम करता है। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर द डिक्लेयर अ वेरिएबल। इस पाइथन में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कोई चीज़ हमें डिक्लेयर नहीं करनी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा सी में पढ़ते हैं हम इंट फ्लोट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का वो देना पड़ता है, बट इसके अंदर हमें कुछ नहीं देना है, ना हमें इंट देना है ना कुछ देना है, स्ट्रिंग भी नहीं देनी है हमें, ठीक है। जैसे उसमें तुमने अगर तुम अगर जावास्क्रिप्ट की बात करते हो तो लेट कॉन्स्ट बैच चल, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोई भी चीज़ इसमें कोई डिक्लेयर नहीं करना होता, सिंपल एक्स। जैसे यू विल लर्न मोर अबाउट, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, वेरिएबल नाम का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको इसमें पूरी तरह से डिटेल्स में। तो एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ दो प्रिंट लिखने हैं एक्स और वाई के, और मुझे रिटर्न में 5 और हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा, ठीक है। ना मैंने कुछ इंट लिखा, ना मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, करेक्टर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक्स और वाई लिखा, मुझे कोई डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट्स की। पाइथन के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, पाइथन हैज़ कमेंटिंग कैपेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इन कोड डॉक्यूमेंट। अभी एक कुछ दिन पहले कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि वाई वी आर यूजिंग कमेंट्स, हमें कमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो कमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या है कि कल को केटी बनानी है अपने, मतलब आपको सॉफ्टवेयर, तो आप उसमें वहाँ पर डिनोट करते जाओ, तो आपको केटी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आप डीप में बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके आपने डॉक्यूमेंटेशन उसके कंप्लीट कर रखा है, देखो कमेंट क्या है कि बता देता है, या फिर ऐसा है कि आपका जैसे मान लो आप कुछ चीज़ टेस्ट कर, ठीक है, आप क्या करोगे, कमेंट कर दोगे ऊपर वाला कोड, मान लो ऊपर वाला कोड आपको हटाना नहीं है, अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, तो उस जगह पर कमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। कमेंट पाइथन के अंदर हैश के द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, हैश के द्वारा। पाइथन भी रेंडर द रेस्ट ऑफ द लाइन एज अ कमेंट। जैसे मैंने दिस इज कमेंट लिखा और आगे लिख दिया मैंने हेलो, मतलब प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो जब भी इसको मैं रन कराऊंगा तो ये ऊपर वाली लाइन को कभी रन नहीं करेगा। तो नीचे मैंने प्रोग्राम भी लिखा है, दिस इज कमेंट हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड लिखा, तो
मुझे ये रिटर्न में क्या करेगा, ना कोई एरर देगा ना कुछ देगा, सिर्फ मुझे जहाँ देखो ब्लू सा दिख रहा है ना, तो वो ही मुझे रिटर्न कर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।